अरे अरे कायजर ये क्या हो गया आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं सुबह जल्दी तो उठ गया था पर मैं टीवी देख के जा रहा था इसलिए मैं स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ अरे कायजर जल्दी से जल्दी चलना पड़ेगा मुझे स्कूल पहुंचना है चलो चलो फटाफट से चलते हैं मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया हूँ एक सेकंड मेरे पास तो साइकिल है ना मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ अरे जल्दी जल्दी मैं भूल गया की मेरे पास साइकिल है चलो काइजर फटाफट से चलते हैं आज तो मैं पक्का स्कूल के लिए बहुत ही लेट होने वाला हूँ आज तो मुझे पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है मैं सही में बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका अभी तक तो स्कूल स्टार्ट भी हो गया होगा चलो चलो फटाफट से चलते हैं मुझे स्कूल पहुंचना है जल्दी जल्दी पैडल चलाने पड़ेंगे और है 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 आपको बता तो जो मेरी क्लास टीचर है, वो है ग्रैनी तो कोई भी बच्चा जब भी लेट आता तो उनको बहुत ही ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट मिलती है तो मैं लेट तो हो ही चुका हूँ बस मुझे पनिशमेंट से बचना पड़ेगा कैसे बचूंगा मुझे पता नहीं चलो चलो जल्दी स्कूल चलते हैं सभी बच्चे आ तो गए है ना चलो क्लास शुरू करते हैं आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंसानों बच्चों का खून कैसे पीते ही ही ही। अरे मिस रुकिए रुकिए अभी तक फ्रैंकलिन नहीं आया है वो हमेशा की तरह आज भी लेट है क्या आज भी फ्रैंकलिन नहीं आया वो आज भी लेट है ही ही ही। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी वो कभी लेट नहीं आएगा ही ही ही। क्यों नीना हाँ ग्रेनी, हाँ आज हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे वो कभी लेट नहीं आएगा हे, 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 चलो 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 आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गए बस मैं अपनी क्लास पर पहुंचने वाला हूँ लगता है अभी क्लास शुरू नहीं हुई है जल्दी जाके अपनी सीट में बैठ जाते हैं मैं आ गया मैं आ गया अरे अरे देखो देखो वो आ गया मेरा फेवरेट स्टूडेंट फ्रैंकलिन अरे आज क्यों लेट आये हो फ्रैंकलिन अरे मैम आपको तो पता ही है मुझे कितना ज्यादा काम रहता है घर पे मैं पहले पूरा पूरा घर साफ करता हूँ फिर झाड़ू लगाता हूँ फिर पोचा लगाता हूँ फिर घर को सुखाता हूँ फूक मार मार के इसलिए मुझे बहुत लेट हो गया ही ही ही, अच्छा अच्छा मुझे लगा तुम टीवी देख रहे थे इसलिए लेट हो गए फ्रैंकलिन <गण> बोलो मत मैं एक और मुझे सब दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है इधर आओ आज हम तुम्हारी क्लास लेंगे हे 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 मैं तो गया आज मेरी बारह बजने वाली है पक्का मेरी आज तो बहुत हालत खराब होगी अब बताओ फ्रैंकलिन क्यों लेट आए थे अरे ग्रैनी मैम मेरी बात सुनिए मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं स्कूल की बस में आ सकूं और आपके स्कूल वाले मुझे फ्री में लेके भी नहीं जाते और ना ही मेरे पास इतने पैसे की मैं रोज अपनी कार में पेट्रोल भरा के स्कूल आ सकूं इसलिए मैं अपनी साइकिल पर स्कूल आता हूं और मेरी साइकिल की चेन भी बार बार उतर जाती है तो उसमें मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता हूँ फ्रैंकलिन बहाने मत मारो अगर तुम्हें क्लास में जल्दी पहुंचना है तो तुम्हें स्कूल के लिए घर से जल्दी निकलना चाहिए पर तुम आराम से बैठ के टीवी देखते हो आज हम तुम्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देने वाले हैं। चलो उठक बैठक लगाओ और मुर्गा बन जाओ क्या मुर्गा और मुझे कुकड़ो को की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए चलो शुरू हो जाओ बहुत बढ़िया एक दो तीन अरे कुकड़ो को की आवाज तैयारी आ रही हाँ हाँ करता हूँ कुकड़ो को कुड़ो कू कुड़ो को देखो देखो ये फ्रैंकली हमेशा की तरह लेट आया है कैसे कुकड़ू कू कर रहा है अबे रमेश के बच्चे मैं देखो क्लास के बाद देखता हूँ किसको देखोगे क्लास के बाद चुपचाप कुकड़ू कू करो कुकड़ू कू कुकड़ू को कुकड़ू को चलो खड़े हो जाओ सॉरी मैम अगली बार कभी लेट नहीं आऊंगा सॉरी सॉरी चलो ठीक है जाओ थैंक यू मैम सॉरी मैम चलो तो सिर्फ क्रैनी मैम ने पनिशमेंट दी थी अभी मेरी पनिशमेंट बाकी है अरे क्रैनी मैम ने पनिशमेंट दे तो दी अब आपके हाँ पनिशमेंट दोगे फ्रैंकलिन तुम पता नहीं कितनी बार लेट आ चुके हो इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाली चलो बच गया तुम्हें पनिशमेंट देने को

प्रिंसिपल सर अब ये क्या मुझे पनिशमेंट देंगे स्किबडी स्किबडी मुझे पता चला है, एक काला बच्चा हमारे स्कूल में जो कि लेट आता है हर रोज लेट आता है मैं अपने स्कूल में सिर्फ डिसिप्लिन सिखाता हूँ न की लेट आना इस बच्चे का क्या किया जाए ग्रैनी ही ही ही. सर मैंने इसको पनिशमेंट तो दे दिए आप जो बोले वो होगा ऐसे बच्चों की हमारे स्कूल में जरूरत नहीं है स्किबड़ी स्किबड़ी मैं ये ऑर्डर देता हूँ इस काले बच्चे को हमारे स्कूल से निकाल दिया जाए ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो <पलगा> बहुत ही अच्छा उपाय है अरे क्या अच्छा आईडिया अरे सर, सर सर ऐसा मत करो मुझे स्कूल से मत निकालो अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा वो सब हमें नहीं पता हम तुम्हें स्कूल से निकालते हैं निकल जाओ अरे सर पर मैंने तो पूरे साल की फीस भी दे दिए सर ऐसे मत करो मुझे स्कूल से मत निकालो हमें फर्क नहीं पड़ता तुमने फीस दी की नहीं हमने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है बाहर जाओ यहाँ से अरे सर सर प्लीज सर, ऐसा मत करो मैं क्या करूंगा मैंने पूरी फीस भी दे दी है मेरे पास दूसरे स्कूल में जाके पढ़ाई करने के पैसे भी नहीं है प्लीज सर ऐसा मत करो करोड़ी बड़ी मुझे गुस्सा मत दिलाओ चुपचाप स्कूल से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा फ्रैंकलिन ये स्कूल छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा ही ही ही। अरे सर ये क्या हो गया मुझे स्कूल से निकाल दिया अब मैं क्या करूँ मेरे पास कोई दूसरे स्कूल में जाने के पैसे भी नहीं है मैंने एक साल की फीस एडवांस तो जितने पैसे मेरे पिगी बैंक में थे वो सारे के सारे मैंने स्कूल फीस में दे दिया अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा मुझे स्कूल में पढ़ना है पर प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया अब मैं क्या करूंगा कोई बात नहीं लगता है मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है यह स्कूल सबसे ज्यादा सस्ता स्कूल स्कूल था था इसीलिए मैं मैं में आया था। मैं बाकी किसी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि की फीस बहुत ही ज्यादा महंगी है अब मैं क्या करूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस से मदद मांगू कोई तो मेरी मदद करो कायजा लगता है आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी फीस जमा करने के लिए मेरी फीस है पांच हजार डॉलर तो कायजा फटाफट से कमेंट में अपने अपने रुपए दान दे दो अगर आप कमेंट में लिखोगे सौ डॉलर तो मेरी फीस के लिए सौ डॉलर मेरे तो मेरे पिगी बैंक में सौ डॉलर एड हो जाएंगे तो ताकि मैं फीस दे सकूं जब तक मुझे कुछ सोचना पड़ेगा मुझे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई करके रहूंगा चलो फटाफट से चलते हैं जब तक आप थोड़े थोड़े पैसे करके मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो सर मैं तो सही में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ किसी भी स्कूल में नहीं जा सकता पढ़ाई करने के लिए इसलिए मैं चाह रहा हूँ एवेंजर्स के पास काश वो मेरी मदद कर दे मुझे पढ़ाई तो करनी है कैसे भी करके करनी पड़ेगी अभी मैं एवेंजर्स के पास एक सेकेंड यहाँ पर क्या चल रहा है एवेंजर्स ने भी स्कूल खोल लिया अरे ये क्या चल रहा है मैं अभी तो एक स्कूल छोड़ के हूँ और यहाँ पे एक और स्कूल अरे आयरन मैन ये क्या चल रहा है अरे फ्रेंकलिन आओ आओ कैसे हो तुम मैं तो बढ़िया बिल्कुल भी नहीं हू पर एक सेकेंड तुमने एवेंजर्स हाउस में स्कूल क्यों खोल लिया अरे फ्रेंकलिन हमने सोचा चलो, सेंटोस में लोगों को पढ़ने की जरूरत है इसलिए हमने स्कूल खोल लिया और हम एवेंजर्स तक रहेंगे इसलिए लॉस सेंटोस को बचाने के लिए और भी एवेंजर्स हम ट्रेन करेंगे क्या यहाँ पर तुम एवेंजर्स ट्रेन कर रहे हो फ्रैंकलिन हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस खतरनाक से डायमंड तरह बनने की अरे <cohortiendo music> <t> <music> ये क्या चीज़े? ये तो एक बहुत खतरना ही खतरनाक सा डायमंड फ्रैंकलिन ये बहुत ही खतरनाक पावर्स वाला हल्क है हम सबको ट्रेनिंग तो दे रहे इनकी तरह खतरनाक बनने की तो तो तुम देख सकते हो हमारे पास ये बेबी डायमंड है और ये डायमंड सायरन हेड हाँ भी है और हमारे पास टीवी मैन और कैमरा मैन भी आए डायमंड कैमरा मैन और डायमंड टीवी मैन बनने के लिए ये तो बहुत ही खतरनाक है तुम्हारा स्कूल तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ पर मेरे पास फीस देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है अरे फ्रैंकलिन फीस की टेंशन मत लो यहाँ पर पढ़ना बिल्कुल फ्री है फ्री 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 क्या यहाँ पर फीस नहीं देनी पड़ती नहीं फ्रैंकलिन यहाँ पर फीस नहीं देनी पड़ती हमने स्कूल सिर्फ इसलिए खोला है ताकि हम बच्चों को पढ़ा पाए और उनको एमरजेंट बना पाए तो तुम इसे स्कूल में पढ़ सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में क्या मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ अरे थैंक यू अरे तुमको पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है मैं इसे स्कूल में पढ़ सकता हूँ बिना फीस दिए चलो फटाफट स्कूल शुरू करते है चलो बच्चों क्लास को शुरू करते हैं मैं तुमको बता दूं जो भी सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन के आंसर देगा उसको क्लास के एंड में मौका मिलने वाला है अपग्रेड होने का डायमंड मैन में तुमको डायमंड मैन की पावर्स मिलेगी तो क्या तुम सब तैयार हो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ चलो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ही सादा हार्ड है तो मुझे बताओ डायमंड की स्पेलिंग क्या होती है सर 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 मुझे पता डायमंड की स्पेलिंग क्या होती है बताओ बेबी डायमंड मैन टी एफ जी डी किसी और को आती है क्या मुझे आती है मुझे आती है पता हो फ्रैंकलिन डी आई ए एम ओ एन टी डायमंड बहुत अच्छे फ्रैंकलिन बिल्कुल सही जवाब अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ और याद रखना जो भी सबसे ज्यादा सही आंसर देगा वो इस खतरनाक से हाई की तरफ बन सकता है अगला क्वेश्चन हमारे एवेंजर्स टीम में कितने जने और उनके नाम बताओ मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा बताओ टीवी मैन सबसे पहले आयरन मैन कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन हल्क लोकी वोंडा की बेटी आ, 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 आर, आर नहीं एवेंजर्स में वोंडा की बेटी नहीं है और अभी भी बहुत सारे एवेंजर्स मिसिंग हैं किसी को सारे नाम आते हैं क्या मुझे दे पता बताओ फ्रैंकलिन आयरन मैन कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन हल्क ब्लैक विडो हॉका ब्लैक पैंथर विजन और बस इतना ही बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन तुमने बिल्कुल सही के सही आंसर दे दिए तुम्हे एक और पॉइंट मिलता है फ्रैंकलिन तुम तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हो अरे थैंक यू आरन बेन सर तो चलो बचते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो मुझे बताओ एक तरफ सौ किलो आयरन है और एक तरफ सौ किलो कॉटन अगर हम उसको सेम हाइट के प्लेन से नीचे गिराए तो कौन पहले पहुंचेगा? अरे सर ये तो बहुत इजी है आयरन ज्यादा मोटा होता है इसलिए आयरन पहुँचेगा गलत जवाब अच्छा और किसी को इसका आंसर आता है सर सर, सर मेरे हिसाब से भी पहुंचेगा। मेरे हिसाब से कॉटन पहुंचेगा। फ्रैंकलिन, तुम्हें इस कांसर आता है क्या? हाँ, सर, मुझे इसका आंसर आता है दोनों एक टाइम पर ही पहुंचेंगे। बिल्कुल सही जवाब दोनों एक टाइम पर पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन मेरी बात सुनिए मैं आपके स्कूल को छोड़ रहा हूँ तुम्हें क्या हो गया मैडम वहाँ पर एवेंजर्स लोग फ्री में स्कूल पढ़ा रहे हैं मैं इतनी सारी फीस देके इस स्कूल में नहीं पढ़ने वाला मैं ये स्कूल छोड़ कर जा रहा हूँ बाय बाय मैं भी ये स्कूल छोड़ जा रही हूँ इतनी सारी फीस लेते हैं बनाएंगे चलो मैं हूं, भाई भाई। आहा, हम भी जा रहे मैं जा रही हूँ शीला तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी चलो चलो अरे ग्रेणी ये क्या हो गया सारे के सारे बच्चे छोड़ कर चले गए, वो सब के एवेंजर्स क्लास में गए। स्कीबड़ी, स्कीबड़ी, सारे के सारे बच्चे कहाँ चले गए छुट्टी कर दी क्या आज हे, 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 प्रिंसिपल सर सारे के सारे बच्चे स्कूल छोड़ कर चले गए क्योंकि जो एडवेंचर थे वो फ्री में सभी को पढ़ा रहे हैं और वो उन्हें खतरनाक सा एवेंजर भी बना रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है इन एवेंजर्स के चक्कर में हमारा पूरा धंधा बंद हो चुका है मैं एवेंजर्स के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा इन्होंने मेरा स्कूल बंद कराया ना अब मैं इनका पूरा का पूरा स्कूल ब्लास्ट करूंगा खत्म कर दूंगा सब स्किबड़ी स्किबड़ी एवेंजर्स के बच्चों तुमने मेरा पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया मेरे बच्चे सारे स्कूल छोड़ के चले गए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ओ अच्छा फ्रैंकलिन तुम भी यहाँ पर हो अरे फ्रैंकलिन तुम इसको जानते हो क्या हाँ, मैं इसको जानता हूँ ये मेरा पहले प्रिंसिपल था और इन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि मैं लेट गया था टॉयलेट जैसे देखने वाले प्रिंसिपल क्या चाहिए तुमको आयरन मैन अपने ये स्कूल बंद करो मेरे सारे स्कूल के बच्चे तुम्हारे स्कूल में आ रहे हैं क्योंकि तुम फ्री में पढ़ा रहे हो और मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका है जल्दी से अपना स्कूल बंद करो मैं ये स्कूल कभी बंद नहीं करूँ और मैं सभी को फ्री में पढ़ाऊंगा। तुम निकल जाओ यहाँ से टॉयलेट आयरन मैन तुम जानते नहीं हो मैं कितना खतरनाक हूँ क्या तुम जानते हो कि हमारा हल कितना खतरनाक है ये तुम्हें मार देगा ए टॉयलेट, टॉयलेट ले यहाँ से। स्किबड़ी स्किबड़ी, तुमको क्या लगता है तुम ये हक दिखाओगे तुम्हें डर जाऊंगा नहीं मैं नहीं डरूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये लो हा, हा, हा। मैं तुम्हारी पूरी क्लास खत्म कर दूंगा तुम मुझसे लड़ना चाहते ना? ये लो, हा, हा, हा। तुम्हारे चक्कर में मेरी पूरा स्कूल बर्बाद हो गया अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा ये लो हा, 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 हा। आज के बाद तुम्हारी क्लास में कोई नहीं आएगा मैंने बोला था मुझसे बंगा मत लो ये लो हाँ 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 हाँ। आज के बाद ये एवेंजर्स कभी अपना स्कूल नहीं खोलेंगे हाँ हाँ। इनके पूरे एवेंजर्स मेंशन को तबाह कर दूंगा मैं हाँ हाँ। स्किबड़ी स्किबड़ी स्किबड़ी, स्किबड़ी मॉन्स्टर जिंदाबाद हाँ हाँ। अरे कई ये क्या हो गया ये स्किबड़ी टॉयलेट ने तो सबकी हालत खराब कर दी आप देख सकते हो सारे के सारे एवेंजर्स और जितने बच्चे पढ़ रहे थे उनकी हालत खराब कर दी आयरन मैन आयरन मैन उठ जाओ अरे फ्रैंकलिन मैं नहीं उठ सकता मेरी सारी हड्डियाँ टूट चुकी है फ्रैंकलिन अरे पर अब हम क्या करेंगे सारे के सारे बच्चे परेशान हैं। एक सेकंड ये बेबी डायमंड बच गया फ्रैंकलिन तुम्हें और बेबी डायमंड को मिल के हमारी क्लास का बदला लेना पड़ेगा सारे एवेंजर्स का बदला लेना पड़ेगा तुम दोनों मिल के एक खतरनाक सा डायमंड मैन बन जाओ और इसके मेरे टॉयलेट को दिखा दो तुम्हें हमारा बदला लेना पड़ेगा फ्रैंकलिन आयरन मैन आयरन मैन आयरन मैन उठ जाओ आयरन मैन अरे ये क्या हो गया आयरन मैन तो मर गया बेबी डायमंड अब हमें कुछ करना पड़ेगा उस इसके मेरे टॉयलेट से बदला लेना पड़ेगा अरे सर जी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा बताओ मैं क्या करना है सबसे पहले तो हम दोनों को एक होना पड़ेगा उसके बाद हमें खतरनाक सा डायमंड मैन बनना पड़ेगा रुको मेरे पास एक आईडिया है मैं टीवी मैन कैमरा मैन और इस खतरनाक से हेड को मिलाने वाला हूं। और हम एक खतरनाक सा डायमंड मैन बनाएंगे चलो बड़ा को मिलाते हैं तो सर अभी आप देख सकते हो तो, मैंने सबको यहाँ पर रख दिया है और इन सब की पावर्स मिलने वाली है और एक सेकेंड एक सेकेंड हल्क तो रहे क्या तो गाय सर मुझे हल्क को भी लेके आना पड़ेगा इस हल्क को भी हम मिलाने वाले अपने साथ चलो अभी पर हल्क भी आ चुका है हल्क टीवी मैन साड और बेबी डायमंड हम सब मिलके एक खतरनाक सा डायमंड मैन बनाने वाले जिससे हम बदला लेंगे हमारे आयरन मैन का हमारे स्पाइडर मैन का हमारे कैप्टन अमेरिका सारे के सारे एवेंजर्स का चलो फटाफट से फ्यूजन करते हैं भैया भैया हमें साथ में बोलना पड़ेगा डायमंड डायमंड

और काइजर अभी आप देख सकते हो हैं और ये बना है लेन, बेबी डायमंड, डायमंड, बदला लेने हमारे आयरन मैन कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन का सबका बदला मैं लेने वाला हूँ उस स्की टॉयलेट ने हमारी पूरी की पूरी क्लास को तबाह कर दिया अब मैं उसकी उस मेरी टॉयलेट को तबाह करने वाला हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चलो चलो स्कीबड़ी, स्कीबड़ी, मैंने एवेंजर्स मेंशन के स्कूल को तबाह कर दिया अब सारे बच्चे हमारे स्कूल में आके पढ़ेंगे हमारे हा, हा, हा। स्कूल के सामने कोई स्कूल नहीं टिक सकता हा, हा, हा। स्किबडी मॉन्स्टर मैं आ चुका हूँ तुमने सारे के सारे एवेंजर्स को मार दिया मैं उनका बदला लेने आया हूँ ये कौन सा नया इंसान है मैं कोई एक इंसान नहीं हूँ मेरे अंदर एक बेबी डायमंड एक खतरनाक सा डायमंड हल्क हेड और टीवी मैन की शक्तियां और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला तुम्हारे लिए तो मेरी टीचर से काफी है ग्रैनी नीना बताओ इनको इस ग्रैनी की तो ऐसी की तैसी निकल जाए ऐसे ग्रैनी मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हे, 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 मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं जब भी क्लास में लेट आता था, था मुझे बहुत पनिशमेंट देती थी मैं नहीं छोड़ूंगा ये ले ग्रैनी मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैं तुझे माफ नहीं मैं तुझे साफ करूंगा <laughs> अब उस नीना की बच्ची की बारी नीना की बच्ची मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अरे फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दो, फ्रैंकलिन मुझे उसे नहीं छोड़ूंगा ये, ये ले मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे तुझे कोई नहीं बचा सकता आज मुझसे ये ले मेरे एवेंजर्स को मारा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अब बारी

में था अरे काय का प्रिंसिपल है ये मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज के बाद कभी क्लास नहीं कर पाएगा ये ये ले इसके मेरे टॉयलेट मैं इसे पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूँ ये वाला आयरन मैन के लिए ये वाला स्पाइडर मैन के लिए और ये वाला कैप्टन अमेरिका के लिए मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला इसने मेरे दोस्तों को मारा है और मैं इसे मारने वाला हूँ

सर इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जो ना फॉलो कर लेना और कहीं हम मिलेंगे अब सगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय